हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पैच नोट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आज आपको मार्च अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एरिना का बूम मोड, जो कि लैब्स वाले सेक्शन के अंदर ऐड किया गया है। यह एक तरह का राउंड डेथ मैच होने वाला है, जिसके अंदर हमको सिर्फ थ्रोमेबल्स और ग्रेनेड लॉन्चर यूज करने के लिए मिलेगा, और आप लोग वहाँ कुछ कवर्स और टेरेंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टेरेंस के गिरने पर आप लोग भी मर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। मैप के बीचों बीच केयर पैकेज के अंदर आपको सिर्फ रेड जोन लॉन्चर आपको का बूम मोड के अंदर ही मिलेगा, जो के गिरने पर बहुत बड़ी एक्सप्लोशन करता है। बहुत सारे प्लेयर्स के फीडबैक के अनुसार लगना मैप के अंदर मेस्टा गाड़ी को लाया गया है, जो के स्टेशन नाम की जगह और उसके आजू बाजू देखने को मिलेगी, जो की एक मैप के अंदर सिर्फ दो होंगी। फेस वन की जोन की टाइमिंग को बढ़ाया गया है ताकि प्लेयर्स को लूट करने का टाइम मिल सके। इस न्यू अपडेट के अंदर एक न्यू वेपन को ऐड किया गया है, जिसका नाम है सॉफ्ट ऑफ, जो कि एक सेकेंडरी वेपन होने वाला है और इसके अंदर 12 गेज की एमो डलती है और यह एक शॉर्ट गन है। इसके ऊपर एक चोक को हम इन गेम लगा सकते हैं और यह एक ओवर पावर गन होने वाली है। और इस अपडेट के अंदर इरिंगल रिक्रूट मोड को ऐड किया गया है। इस मोड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग 8 बंदों को अपनी टीम में रख सकते हैं। इस मोड के अंदर आप लोग पहले से काफी जल्दी बंदों को रिक्रूट कर सकेंगे। जब कोई एनिमी टीम में रिक्रूट होगा, उसके रिक्रूट होने पर फुल HP और बूस्ट दोनों बंदों को मिलेगा। यह मोड एक खास टाइम पर खेलने के लिए आप लोगों को इन गेम दिखेगा। गन प्ले अपडेट में वेक्टर की C2 कस्टमाइजेशन में से उसकी एमओ बढ़ा के 45 से 50 कर दी गई है। उजी की C2 कस्टमाइजेशन में उसके कंट्रोल को एनहांस किया गया है और C1 कस्टमाइजेशन को डाउनग्रेड किया गया है। ऑटो एम वाली कैपेबिलिटी को कुछ वेपन्स के लिए घटाया गया है। ग्रेनेड लॉन्चर की एमो ट्रेसिंग की विजिबिलिटी को बढ़ाया गया है। बैटल रॉयल का सीजन 8 इस अपडेट में शुरू हो गया है, जिसके अंदर आपको SKS, म्यूटेंट, अल्टिमा और पेन की स्किन देखने को मिलने वाली है। पिछले सीजन के सारे रिवॉर्ड्स आपको लॉग इन करने पर मिल जाएंगे। इस बैटल रॉयल के सीजन के अंदर आपको एक ऑनर रिवार्ड देखने को मिलने वाला है, जो कि सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप 3 पोजीशंस पर रहने वाले बंदों को मिलेगा। शूटिंग गैलरी मोड की रैंकिंग भी रीसेट होगी और इस मोड के रिवॉर्ड्स आपको मेल के द्वारा मिलेंगे। और इस अपडेट में इस मोड में थोड़े बहुत चेंज ही किए गए हैं। लैब्स वाले सेक्शन के अंदर से अकीता बाउंड्री रॉयल और ग्रेवयार्ड सीज मोड को थोड़े समय के लिए बंद किया जा रहा है। प्लेयर्स द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार डेवलपर्स उनको इम्प्रूव करके दोबारा गेम के अंदर डालेंगे। सेल्फ रीडिप्लॉयमेंट फंक्शन को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है। UI को इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, ताकि आप बंदे का नाम देख सको और अगर कोई डाउट हो तो उसे रिपोर्ट कर सको। सिलेक्शन टाइम को 10 सेकंड से 20 सेकंड कर दिया गया है। जब कोई मैप खेलने के लिए ओपन होगा तो हमको हमारी लॉबी पर एक अलर्ट चला जाएगा। इस अपडेट में स्क्रीन के टॉप पर एक बटन को ऐड किया जाएगा, जो कि न्यू स्टेट का सिस्टम प्लेयर्स को अपने हिसाब से मैप खेलने के लिए रिकमेंड करेगा, और जब आप उस बटन पर टैप करोगे तब आप सीधा मैप सिलेक्शन वाले स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। सर्वाइवर पास के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसके अंदर एक न्यू फीचर जिसका नाम लेगासी पास है, उसको ऐड किया गया है। अगर आप लेगासी ही पास को अपग्रेड करोगे तो आपको पिछले प्रीमियम पास से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आपका कोई रिवॉर्ड्स रह गए हो तो। इस लेगासी पास के अंदर आपको हिपस्टर ज़ॉम्बी सेट देखने को मिले जाएगा। इससे सर्वाइवर पास के अंदर स्टोरी मिशन को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर नए एक्सट्रीम मिशन्स को इन गेम ऐड किया गया है, जिनको पूरा करने पर आप लोगों को चिकन मेडल्स मिलेंगे। जो लीड कैरेक्टर आप लोगों को स्टोरी मिशंस के अंदर मिलते थे, वह अब आपको सर्वाइवर पास के सबसे लास्ट वाले रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। नए सर्वाइवर पास वॉल्यूम 17 का मेन कैरेक्टर मारिया गेल होने वाली है। जब आप सर्वाइवर पास को 50 लेवल तक कंप्लीट करोगे तब आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा। इसका आउटफिट आपको प्रीमियम पास खरीदने पर मिल जाएगा, वह भी बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स के साथ। जो MC आपने प्रीमियम पास को खरीदने के लिए लगाई होगी, वह आपको पास को पूरा करने पर वापस मिल जाएगी। अब जो कोई नया बंदा गेम को इंस्टॉल करेगा तो वेलकम रिवॉर्ड्स में आपको सबसे पहले लॉर्ड ऑफ ब्लड वाला एक सूट, सोलर किंगडम वाली M4, एंजलॉर्ड वाला एक सूट, अपग्रेडेबल्स कारेल और फिनिक्स थीफ वाला एक सूट, थोड़े समय के लिए आपको इनके मिल जाएगा, वह भी सिर्फ लॉगिन करने पर। बाकी की आप अपडेट को रिटर्न पैच नोट्स के अंदर देख सकते हैं, वह भी न्यू स्टेट के ऑफिशियल चैनल पर। मिलते हैं आपको एक नए अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।